3-4 किलोमीटर फिर वापस जाता और जब वो सामान लेता, उस भीड़ में कर निकला, ये नहीं पता लगा भीड़ में कर निकल कब गया, यानी नाम सिमरण में ध्यान रहता था। तो पुण्यात्मा और परमात्मा कबीर जी कपड़ा बुनते थे और आसपास भक्त देखते थे, तुम भक्ति किस टाइम करते हो? कहने लगे, मैं ये पूछता हूँ कि सिमरन का समय कौन सा कोनी। एक बार ये वाजिद राजा थे, इनको प्रेरणा हुई, एक ऊँट मर गया, अरब कंट्रीज में था यू राजा, राजाओं के वाहन भी ऊँट होया करते थे रेगिस्तान में। रास्ते एक काफिला जा रहा था, दूसरे शहर को जा रहा था ये वाजिद, एक ऊँट मर गया, ऊँट के मरने से उसको बहुत झटका लग गया, कभी इतना चलते चलते ठीक स्वस्थ चारा चल रहा था, पानी पिया, चल रहा था, चलते चलते गिर गया और मर गया, ये क्या चक्कर है? तो विद्वान पुरुष होते थे, राजा को बताया जी जिस भी प्राणी का जब समय पूरा हो जाएगा उसी समय उनकी मृत्यु होगी। राजा ने कहा क्या मेरी भी मृत्यु होगी? कहाँ, सभी ने जाना होगा। और वो इसे थे 20-25 वर्ष के 30 वर्ष के होंगे उस टाइम। वो कहने लगा भी वापस चलो, फिर यूँ क्या जीवन, कभी भी मृत्यु हो जाए, राज सब कुछ के ठाठ हैं, राज त्याग दिया। अब ये पिछले संस्कार प्रभावित थे उनके, कहती एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, ये पुण्यात्मा होती उनको एक का दो बात सुन कह दे भाई, जब मैं मान लेते कहाँ ठीक है भक्ति करेंगे भाई। और ढीठ व्यक्ति आ गए थे सारी रामायण गा दे, कती ना सुने का छोड़ किसने देखा भगवान, 2 घंटे बातचीत हो पाछे नहीं कह दो किसने देखा। अब पुण्यात्मा उसने घर भी त्याग दिया, साधन ठीक था नहीं, गुफा में बैठ कर तप लग गया करण, जैसा भी कोई सिर फरा गुरु मिला उसने बता दिया, उसको तो भगवान चाहिए था। जैसे मरीज है, एक रोगी है पेशेंट, उसने कोई डॉक्टर मान लिया कि डॉक्टर है, बड़ा बोर्ड लगा रखा है, उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया उसने शुरू कर दिया, नो ऑब्जेक्शन, गुफा में बैठ कर भजन करे था। और ये धन्ना भगत जी किसान थे, इनको पता चला, धन्ना भगत जी को परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। ऐसी पुण्यात्माओं को वो पहले ही आकर के कोई ना कोई कारण बनाकर उपदेशी बना जाते हैं। तो धन्ना भगत जी वहां पहुंच गए, वाजिद जी की चर्चा सुन रखी थी, बड़े महापुरुष हैं, गुफा में रहते हैं। तो धन्ना भगत वहां पहुंचे, रात को वही रुक गए। अब वाजिद जी तो बढ़ गया गुफा में और धन्ना भगत अपने ताने के सो गया। सुबह वाजिद जी बैठे अपनी गुफा में भजन कर रहे, हर वो धन्ना भगत बैठे अपने आराम से बाहर। तो वाजिद जी फिर आए अपना घंटा 2-4 घंटे बैठ के, तो उसे कहने लगे धन्ना भगत जी से कि धन्ना जी आप भक्ति नहीं करते, सिमरन करना चाहिए, मालिक का भजन करना चाहिए। धन्ना भगत जी कहने लगे मैं सिमरन करता ही रहता हूँ। और वाजिद जी कहता कि मैंने तो तू भक्ति करता देखा नहीं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास वो समय नहीं, मैं भजन ना करता हूँ। तब क्या कहते हैं, गुफा भजे सो कई ये मुष्टा, रात न बजे सो चोरे, और दिन में भजे सो कई ये ढोंगी, और सुमरण की गति और। कहते हैं दिन में अगर बैठता है कोई साधना दिखा तो लोग दिखावा कर रहे हैं, ढोंगी है, और रात रात न तो का भक्ति होती है तो चोरटा है, चोर है, और गुफा में बजे तो चूहा है, वो तो मूष्टा है। तो वाजिद जी को काफ़ी प्रेरित किया धन्ना भक्त ने, काफ़ी समझाया कि ऐसे ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं। तो उसको वह बात खटकेगी, अब भाई बात तो ठीक कह रहा है। फिर कुछ दिन के बाद परमात्मा उनको मिले, वाजिद जी को,
उनको सतमार्ग बताया, तब उनका रास्ता चेंज हुआ। अब कहने का भाव यह है कि सिमरण का जो साधन है, मार्ग है, वो जो हम देखा करते थे, सुना करते थे, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैर सूज गए, और नो सुना करते भी 4 बरस हो गए, एक बाबा जी खड़ा तप रहा है और उसके पैर भी सूज गए, उसके वहाँ कीड़े पड़ गए, पैरों के अंदर जख्म हो रहे हैं और खड़ा ही है, वाह भाई वाह कमाल है, आसपास के श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते हैं, परमात्मा कहते हैं। और या कोई ऊपर बैठा कि तो टीले पर क्या करते, बड़े ऊंचे से स्थान पर बैठ जाते टीले है पर, और नो दिखते दूर तो बाबा जी बैठे, क्यों दूर तो दिखे बिना लोग जानी, तो भगत श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए, बाबा जी तप कर रहा है, उसका धूना ला दिया, उसके फिर दूध के लोटे जान लाग गए, फल फल रखने लग गए। परमात्मा बंदी छोड़ने बताया कि ये सारी ड्रामाबाजी है, ये भक्ति नहीं है। डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड, लोग दिखावा, डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूले। बोली आत्मा तेनों समझो बड़ा भगत और संत है, बड़ी साधना कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो अपनी अगत में आने वाले समय में सूल बो रहा, सूल तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र श्वानम, ये तपस्याएं जो करते हैं इनसे अगले जन्म में कोई छोटी, जैसे ये करते हैं ना थोड़े बहुत 2 साल 4 साल 10 साल कर ली, तो अगले जन्म में कोई उच्चा अधिकारी बन जाएगा, कोई 5 साल MLA रह जाएगा, कोई 5-4 साल कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के करके अपनी कमाई का नाश, और फिर ठोडी तलाश दे बैठे रहो बुढ़ापे में, और मरने के बाद गधा बने। फिर तो कहते हैं डंब करे डोंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूले। एक बार ये दास इस नाम से जुड़ा ही था, अपने ऑफिस के अंदर जब बैठ जाते थोड़ा बहुत समय होता ही था, चर्चा कर देते थे, तो दूसरे कहते ना कबीर भगवान किसने बना दिया, हमारे साथी कहते थे। फिर एक कहता है कि मैं भगवान तो भगवान ने है, शंकर भगवान है, परमात्मा है, और कहता मैं एक बार संत तबला देखे को नहीं तुमने, एक बार मैं हरिद्वार में गया था, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गए, वहां पता चला कि यहाँ एक संत रहता है गुफा अंदर जंगल के अंदर गहरा, वो कभी कभी बाहर आता है और तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, एक केले के पत्तों का लंगोट लपेट रखा होता है, और यहाँ 5-7 भक्त व्यक्ति बैठे रहते हैं इस आशा में कि कभी सौभाग्य हमारा हो, किस्मत उदय हो जाए और वो महात्मा के दर्शन हो जाए। तो कह रहा था कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने यहाँ एक दिन वो महात्मा देखा, बाबा जी बाहर आ रहा था, और मैंने जब नज़र पड़ी तो एकदम मुंह फेर लिया, उसने बैक हो गया और बहुत स्पीड से जंगल में गहरा चला गया कि तो गुफा में जा पड़े। अन्य का था भाई थोड़ी सी कसर रहेगी ना तो बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाते, तन बस पार हो जाते। अब परमात्मा कहते हैं भाई हमारी आदत खराब है, मन ये काल है, ये सच्ची वस्तु को स्वीकार कर कर अजी कोई ना, बकवास इसने कितनी ही करवा दे और कितनी ही सुना दे उतनी स्वीकार कर लेगा। इसके विषय में परमेश्वर की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, के केले की कोपीन है, कोपीन कहे लंगोट है, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नरका मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। अब क्या बताते हैं कि जिन जो तुम कहते हो संत हैं कि फूल पत्ते खाकर फल खाकर टाइम पास करते हैं और मांग के भी नहीं लाते कहीं से, एक केले का लंगोट बांध कर अपना भक्ति करते रहते हैं,
साधना करते हैं ये हम आत्मा। तो अब परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पारे। अब क्या बताते हैं, केले की कोपी न है ये फूल पान फल खाही, नरका मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है मालिक ने कि नरक का मुख नहीं देखते, और जो आदमी ने देखते भाग जा बेदख जा, रोज जैसे जंगल की नील गाय होती है उन्होंने रोज बोला करें, रोज कहते हैं वो जंगल की नील गाय हैं जिन्हें तुम संत कहते हो, वो तो रोज हैं। और आदमियां तो बेदख के बाजें डर के बाजें, आदमियां कदे आदमी दिख जा रोज बाज जाते पहले, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जा, और निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावना। कहते हैं नोचे दिन रात धक्के खाए जाओ उजाड़ में, उजाड़ बोलते हैं जहाँ को आदमी ना रहते हों, उस बियाबान को उजाड़ बोलते हैं। कहते हैं दिन रात धक्के खाओ उजाड़ में नो भगवान नहीं पावे, परमात्मा मिला कैसे गा। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है और जो साधक माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम, ये एक ओम अक्षर है नथिंग एल्स, और उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता यानी अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का जो जाप करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, मेरे से ब्रह्म बोलता है काल, मेरे से जो परम गति लाभ मिलता है मोक्ष जितना हो सकता है उसको प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, 2 के अध्याय 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो दिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये भी नाशवान है। दशा जात को दिन में दिखाया था श्री शिव पुराण के अंदर, जिसमें वो स्वयं कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुम ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश, इन तुमको मैंने एक एक कर्तव्य दे रखा है, एक एक जॉब दे रखी है, एक डिपार्टमेंट दे रखा है। अब ये काल क्या खेल खेलता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश ये 11 रुद्र हैं, इन 11 रुद्रों में 11वां जो रुद्र है वो इन 10 का हेड है, कंट्रोलर है, और ये रुद्र जो 11 हैं ये प्रेतों के और इन भैरव बारों के इनके ये सरदार हैं, मुखिया हैं, और ये उत्पात यही कराते हैं। और महेश ब्रह्मा विष्णु और महेश ये काल के पुत्र हैं, और रुद्र ये काल ने दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से बनाकर उत्पन्न किए हुए हैं। तो ऐसे हमने इस जाल को समझना है। तो वो कहता है कि शिव पुराण में कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और ये सब अवयवों से इकट्ठा होकर के पांचों से एक एक ही भूत होकर यू एक अक्षर बन गया ओम ओंकार। तो वही ये गीता का ज्ञान दे रहा है। ये कहता मैं और तू सभी नाशवान है, और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि अर्जुन तो अविनाशी, तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, और जिससे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान बताए, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि इन दोनों से कोई और है असली वास्तविक अविनाशी भगवान परमात्मा।